मैं नगर पंचायत रिवालसर से पार्षद वार्ड नंबर 3। लगभग 7-8 दिनों से पानी की व्यवस्था रिवालसर में बहुत बुरी तरह चरमराई हुई है और मेरे वार्ड में कुछ चुनिंदा घर को जिनमें मेरा घर भी है उनके पास तो पानी है लेकिन 90% लोगों के पास पानी नहीं है और यहाँ तक व्यवस्था चरमरा गई है कि कई लोगों को पीने के लिए ना टॉयलेट जाने के लिए नहाने के थोड़ा भी एक बूंद भी पानी नहीं है। प्रशासन से और विभाग के लोगों से मैं 3 दिन से लगातार बात कर रहा हूँ। कल भी मैं ऑफिस आया था और SDO साहब से इनके फील्ड स्टाफ से बात की और शायद ये लोग काम भी कर रहे हैं। कुछ ऐसी भी समस्या सुनने में आ रही है कि उन पाइपों को कोई रात को तोड़ दे रहा है और मैंने इनको कहा कि अगर तोड़ रहे हैं तो आप FIR लॉन्च कराओ, अपने उच्च अधिकारियों से बात कराओ या और व्यवस्था नहीं हो सकती तो टैंकों में पानी ट्रक से डाला जाए। अब लोगों को मरने के लिए तो छोड़ा नहीं जा सकता। इसलिए मुझे तो अपने पूरे रिवालसर वार्ड के होटलियर हैं, मेरे दुकानदार हैं, उनका चौपट हो गया है धंधा। रात को लोग रहना नहीं चाहते क्योंकि टूरिस्ट लोग भी वहाँ रहना चाहेंगे जहाँ पानी होगा, जहाँ नहाने को पानी मिलेगा। घरों में व्यवस्था खराब है, ऐसे ऐसे बूढ़े लोग हैं जो चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते। इसलिए मैं आज 11 बजे से यहाँ भूख हड़ताल पर बैठा हूँ। मैंने किसी प्रकार का ना पानी, ना चाय, ना रोटी कोई नहीं खाई हुई है। मेरा मेडिकल करवाया जा सकता है और मैं तब तक नहीं उठूंगा जब तक इसका कोई समाधान ना हो। मुझे बहुत दुख है कि सरकार के शायद ध्यान में है भी कि नहीं है, लेकिन जब उच्चाधिकारी किसी से अभी किसी पत्रकार को देने भी बात की तो उनका जवाब संतोषजनक नहीं था। मुझे नहीं पता कि परेशानी क्या है, मुझे नहीं पता कि क्या कारण है, लेकिन मुझे ये पता है कि मेरे नगर पंचायत के 90% लोग प्यासे हैं। मेरे 100% जो होटलर हैं और साथ में जो बौद्धिस्टों के मंदिर हैं, गुरुद्वारा है, वहाँ भी पानी की दिक्कत है। इसलिए जब तक इसका कोई समाधान नहीं होता मैं यहाँ से नहीं उठूंगा और मेरे साथ जो बैठना चाहेगा लोग वो बैठे, जो नहीं बैठना चाहेगा उन्हें। मुझे किसी अधिकारी से परेशानी नहीं है, मुझे परेशानी ये है कि मेरे लोग मरने के लिए आज पानी की वजह से हो गए। टॉयलेट जाने के लिए परेशान है, महिलाओं के लिए कितनी दिक्कत हो रही है, खाना नहीं बना पा रही है। इसलिए यहाँ कोई आए बात करे, हमें उचित आश्वासन दे। अब वो टूट गई है, पाइपें टूट गई तो क्या 1 महीना लोगों को पानी नहीं देंगे? ऐसी व्यवस्था चरमरा गई है। अब भाई और ढंग से पानी दो लोगों को, उसमें हमारी क्या, चुने हुए लोगों की क्या गलती है? या सरकार से बात करें, या SC से बात करें, चीफ इंजीनियर से बात करें। इसलिए हम यहाँ बैठे हैं। मेरा आप पत्रकार से, आप लोगों से भी अनुरोध है कि प्रिंट मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा इस बात को आप जरूर उजागर करें कि भरी बरसात में भी अगर कहीं ऐसी व्यवस्था है, 1 दिन की परेशानी हो सकती है, 2 दिन की परेशानी हो सकती है, 3 दिन की परेशानी हो सकती है, प्रबंधन की क्या अव्यवस्था है इसको देखें आप और इसको